सो हेलो एवरीवन, तृप्ति दिस साइड। सो टुडे एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात करेंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। सो यार, पहली बात तो एट टाइम्स ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि यू फील डीमोटिवेटेड या फिर यू फील लाइक यू आर नॉट डूइंग इनफ या स्टक फील कर रहे होते हो, मे बी टायर्ड फील कर रहे होते हो। सो यार, सबसे पहली चीज़ तो इट इज़ प्रिटी नॉर्मल टू फील दैट वे। इट्स नॉट समथिंग कि हाँ आपके अकेले के साथ कोई इशू हो रहा है, बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सी इफ़ इट इज़ अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक कि कुछ स्पेसिफिक पढ़ रहे थे एंड स्टक फील कर रहे हो, तो उस केस में तो आई विल सजेस्ट कि या तो लाइक टेक अ ब्रेक एंड एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हाँ नहीं हो रहा है अभी, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, कुछ और कर लो, मे बी डाइवर्ट योर माइंड विथ सम अदर टॉपिक यूर स्टडिंग और विद सम अदर एक्टिविटी। इट कैन बी योर हॉबी एज वेल, कुछ भी आपको करना अच्छा लगता है, मे बी लिसनिंग टू म्यूजिक, मे बी गोइंग फॉर अ वॉक, सिटिंग विद योर फैमिली, एनीथिंग यू लाइक, जस्ट डू दैट बिकॉज योर ब्रेन ऑल्सो नीड सम ब्रेक टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, उसके अलावा यार आई विल से कि एट टाइम्स ना दूसरों को देख के भी घबराहट होती है कि लाइक हाँ पीपल आर डूइंग अ लॉट, आई एम नॉट डूइंग इनफ। तो ऐसा एक तो फील नहीं करना है, इतना अंडर कॉन्फिडेंट या इतना सेल्फ डाउट नहीं रखना है। जस्ट रिमेंबर कि यू आर डूइंग इनफ, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हो और अपने आप को मोटिवेट ही करो कि आगे और बेस्ट देना है। अपने आप को डिग्रेड मत करो, किसी से कंपेयर मत करो, बिकॉज एवरी वन इज़ डूइंग लाइक हैज़ देयर ओन पाथ, और वो अपना काम कर रहे हैं। सो यार, डोंट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन एल्स। सो इन दी एंड आई विल जस्ट सजेस्ट कि बी कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू स्टे काम, एंड इट्स प्रिटी नॉर्मल टू फील इट। डीमोटिवेटेड भी होगा तो इट्स ओके, फील हो रहा है, कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए लेट इट बी। Try doing something else which helps you calm your mind or like have some peace in your mind, and that's it. It will work. So hope it helps and have a nice day. Bye bye.